नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। कल 30 मई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिमंडल यानी मोदी कैबिनेट में शपथ लेंगे और इस बीच अरुण जेटली का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अरुण जेटली ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और उसमें अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है कि मुझे आगे पदभार न सौंपा जाए। आखिर क्या कुछ वजह रही है उस लेटर में जो उनको प्रधानमंत्री को अरुण जेटली ने भेजा है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। लिखा गया है कि मैं आपसे औपचारिक रूप से अनुरोध करता हूं और लिख रहा हूं कि मुझे इलाज के लिए उचित समय की ज़रूरत है, इसलिए मैं फ़िलहाल नई सरकार में किसी भी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं होना चाहता हूं। ये जो आपने देखा ये उनके ट्वीट पर लिखा गया है। अब लेटर में क्या कुछ लिखा है वो पढ़कर सुनाते हैं हम। तो लेटर पर लिखा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पिछली सरकार में 5 साल का काम मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इससे मुझे काफ़ी अनुभव भी मिला है। मुझे पहली एनडीए सरकार, पार्टी संगठन और यहाँ तक कि विपक्ष में भी जिम्मेदारी दी गई। मैंने इससे अधिक कभी कुछ नहीं चाहा। पिछले 18 महीनों से मैं कुछ गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ। मेरे डॉक्टर भी उन सबको मात देने में मेरी मदद कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन ख़त्म करके जब आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, तब मैंने आपसे मौखिक तौर पर कहा था कि कैंपेन के दौरान मुझे दी गई जिम्मेदारियों को ख़त्म करने के बाद मुझे भविष्य में जिम्मेदारियों से हटकर अपने लिए कुछ समय चाहिए। इस समय में मैं अपने इलाज और स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा। आपके नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की शानदार जीत हुई है। नई सरकार कल शपथ लेने जा रही है। आपको बता दें कि अरुण जेटली किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। वो इलाज के लिए कई बार देश के बाहर भी जा चुके हैं और अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको मोदी कैबिनेट में शामिल न किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावुक लेटर अरुण जेटली की तरफ से लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि मुझे और आगे जिम्मेदारियाँ न सौंपी जाए, मुझे कुछ अपने लिए वक्त चाहिए ताकि मैं अपना इलाज सही से करा सकूं। आप लाइव सीरीज़ के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।